नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक नायक है और आप सबका स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो राइज की चैनल के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज प्रतीक नायक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दी अनअकैडमी स्टूडियो राइज चैनल विच इज़ द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन एंड मी एंड अलॉन्ग विथ माई टीम मेंबर्स आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी कंटेंट that is available on the YouTube, that too free of cost. As a part of our teaching and learning process, we were discussing many subjects and as a part of our pedagogy, जो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर ही हम लोग आर्ट एंड कल्चर की शुरुआत करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ और हमने बहुत सारे डेज से डिस्कशन करना शुरू कर दिया था एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन द वेरियस टॉपिक्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड एज अ पार्ट ऑफ आर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग हम लोग आर्ट एंड कल्चर को फिर से शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैं आपको आर्ट एंड कल्चर और साथों साथ एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कराने वाला हूँ पैरेलली, और यही कंटिन्यूएशन में मैं आर्ट एंड कल्चर एनसीईआरटी दोनों को हम लोग कंटेम्प्रेरी स्टाइल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आप लोग को काफ़ी एडवेंचरियस रहेगा और आपको बहुत सी ये कोर्स के मैं कहूँगा कि बेसिक से लेके अप्लाइड वर्जन तक का एडवांटेज रहने वाला है। खैर, ये आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो वहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ऑन द आर्ट एंड कल्चर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे, तो वो भी मैं कहूँगा कि आप एक बार उसको देखिए और उसके बाद ये लेक्चर्स को अटेंड करिएगा तो इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू लॉन्ग रन के अंदर। खैर, वो जो भी है हम लोग इसके ऊपर आगे चलेंगे, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं पिछले 6 ईयर्स से टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉड्यूल्स के अंदर। आई हैव गाइडेड नंबर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया हुआ है, मेंटर किया हुआ है एंड पिछले 6 ईयर्स से मेरा जो फोटे है वो हिस्ट्री के अंदर है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे लगता है और मैं अनअकैडमी स्टूडियो राइज के साथ साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। अब देखिए, अनअकैडमी प्लस की खासियत ये है कि आई एम टेकिंग कोर्स ओवर देयर ऑन द एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। ये एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स है, मेरा बहुत जल्द शुरू होने वाला है, आई एम स्टार्टिंग वेरी सून, ओके, इन अ वीक और सो। सो आई वॉन्ट कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए। मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स वहाँ पे कर दिया है अनअकैडमी प्लस के ऊपर और मॉडर्न हिस्ट्री को हमने करीबन 80 आवर्स के आसपास सेशंस में कंक्लूड किया था। दैट इंक्लूडेड द टॉपिक्स फ्रॉम द मेंस एंड द प्री पर्सपेक्टिव्स, ऑल्सो द डाउट शेयरिंग। अनअकैडमी प्लस का एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं और साथों साथ दूसरा अनअकैडमी प्लस का एक एडवांटेज ये भी है कि वहाँ पे आपको डाउट शेयरिंग सेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट अबाउट अगर आपको क्लियर करना हो, डाउट शेयर करने हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करना हो, वो सब कुछ वहाँ पे हो पाएगा कंपेयर टू दिस प्लेटफॉर्म जो यहाँ कभी कभी लिमिटेशंस आ जाती है। तो एक तो प्लस के ऊपर आपको ये एडवांटेज रहेगा कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी जो कहीं और चलती है। दूसरा प्लस के ऊपर एडवांटेज क्या है कि देर आर 80+ एजुकेटर्स जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे, अनअकैडमी प्लस के ऊपर, और आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, यू आर सपोज टू टेक वन टाइम सब्सक्रिप्शन, और जब तक आपका टाइम पीरियड है सब्सक्रिप्शन का उन सब के लेक्चर्स और वीडियोस को, क्लासेस को आप एक्सेस कर पाओगे। तो आपको क्या है कि ऑल एजुकेटर्स, ऑल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सब के क्लासेस आप देख पाओगे। तो वहाँ पे बहुत ही नामांकित, मैं कहूँगा बहुत ही नोटेड एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो उन सब के क्लासेस भी आप देख पाओगे, उनके लेक्चर्स को भी आप अटेंड कर पाओगे और साथों साथ मेरे क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहेगा व्हेन वी सी द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट मैं प्लस की बात करूँ आपको तो आपको 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक का पैकेज अवेलेबल मिल जाता है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। 1 महीने से लेके 24 महीने तक का आपको पैकेज अनअकैडमी प्लस के ऊपर अवेलेबल रहेगा। तो आप समझने की कोशिश करो कि जो जो स्टूडेंट लॉन्ग रन की तैयारी करने की कोशिश करेंगे उनके लिए तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि एडवांटेजेस होगा, क्योंकि अगर आपने जैसे 6 मंथ्स का भी लिया है तो 6 मंथ्स के अंदर भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, बट ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होगा। आई सजेस्ट कि यू टेक मिनिमम 12 मंथ्स, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी को अंदर, अगर उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो एंड इफ यू आर ट्राइंग टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स, ओके, यू आर ट्राइंग टू अटेंड द क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस, इट्स अ वेरी लेंथी सिलेबस एज वेल। ठीक है, सो इट विल टेक इट्स ओन टाइम। आप क्या कर सकते हो कि 1 ईयर की जितने सब्जेक्ट्स है उसकी फीस ऐसे तो 40,000 रुपीज़ है, बट अगर आपने मेरा रेफरल कोड यूज कर दिया है PN Live तो आपकी जो फीस है वो 40,000 से कम हो जाएगी, और कितना हो जाएगा तो इट विल कम टू 36,000 रुपीज़। ठीक है, तो ऑलवेज यूज माई कोड PN Live while taking the सब्सक्रिप्शन, आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होगा।
और आपको वो है ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जो तैयारी है वो थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स की जो फीस है, 24 मंथ्स के जो कोर्स है, वहाँ पे आपको 64,000 फीस है। एंड वंस यू यूज माई कोड PN Live, अगर आपने PN Live कोड यूज़ किया हुआ है तो आपको यही फीस 57,600 में हो जाएगी। अब देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हम लोग लेक्चर्स कब तक देख पाएंगे, तो टिल द टाइम पीरियड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन जो भी है वहां तक आपको लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब वो चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो या लाइव क्लासेस हो। अब क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल आपने आज सब्सक्रिप्शन लिया है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 10th दिसंबर है, 10th दिसंबर 2019 को आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो यहाँ से फिर 2 ईयर्स का काउंटिंग होगा, ठीक है? तो आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा 10 दिसंबर 2021 को, ठीक है? अब क्या होगा कि इन बिटवीन दिस पीरियड आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको आप देख पाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर क्या होगा कि आपका ये तारीख जब खत्म होगा, इफ दिस इज द लास्ट डेट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन, तो फिर उसके बाद आप वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस नहीं कर पाओगे। बट एडवांटेज ये है कि वंस अगेन इफ यू रिन्यू योर सब्सक्रिप्शन, अगर आपने उसको रिन्यू कर दिया तो फिर से आप उसको देख पाओगे। अब देखो, रिन्यूअल में क्या होगा कि अगर आपको लग रहा है आपने 2 साल का लिया हुआ है एंड यू वांट टू रिन्यू, यू कैन रिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ एज वेल, ठीक है? क्योंकि फिर बीच में नए कोर्सेज आएंगे, पुराने कोर्सेज को देखना है तो कोई कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो आप रिन्यू कर सकते हो, उसमें आप जैसे रिन्यू करोगे तो पुराने जितने भी कोर्सेज है ना वो सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये एडवांटेजेस है आपके लिए पिछले क्लासेस के कंपैरिजन में, ठीक है? दूसरा, अनएकेडमी ऐप के ऊपर चले जाओ, डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर से, उसके बाद भी आप लेक्चर्स को अटेंड कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है? हम लोग आर्ट एंड कल्चर को शुरू किया था पिछले क्लासेस के अंदर, और मैंने आपको विजुअल आर्ट पढ़ाया था। विजुअल आर्ट के अंदर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ आर्किटेक्चर, हमने आर्किटेक्चर का जो टॉपिक है उसको प्रीवियस क्लासेस के अंदर कंप्लीट किया था, स्कल्पचर को भी किया था, और स्कल्पचर के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पेंटिंग्स करने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग विजुअल आर्ट के अंदर पेंटिंग्स को बढ़ेंगे आज के क्लास के अंदर। विल बी स्टडिंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इन सबको देखेंगे। अब देखो, पेंटिंग्स की हमने पिछले क्लासेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई शुरू कर दी थी, और मैंने आपको पिछले क्लासेस के अंदर बताया था कि जब आप पेंटिंग्स को पढ़ोगे तो आपको 3-4 पर्सपेक्टिव से पेंटिंग्स को पढ़ना है। सबसे पहला पर्सपेक्टिव जो पेंटिंग्स के अंदर आपको पढ़ना होगा वो आपको देखना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स। दूसरा आपको देखना है हाउ द डिजाइन ऑफ द पेंटिंग्स इज यूज। तीसरा आपको क्या देखना है, तो तीसरा आपको देखना है द कलर्स ऑफ द पेंटिंग्स। और चौथा अगर आप देखोगे तो आपको थीम ऑफ पेंटिंग्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा प्रीवियस क्लास को वीडियो अटेंड करके आइए, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू एंड इवन फॉर मी टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पेंटिंग्स ऑल अबाउट, ठीक है? आज हम लोग पेंटिंग्स को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, एक तो एंशियंट इंडिया के पेंटिंग्स जो है वो, उसके बाद मिडिवल इंडिया के जो पेंटिंग्स है वो, उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग्स, और मॉडर्न पेंटिंग्स के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग समझ में आता है, जो कॉमन मैन करता था, ठीक है? तो ये काफ़ी लेट आएंगे, हमारा आज का जो क्लास है वो यहाँ पे फोकस कर रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे और उसके बाद थर्ड फेज में हम लोग यहाँ करेंगे। तो वी हैव गॉट अराउंड 2-3-4 लेक्चर्स मोर ऑन द इंडियन पेंटिंग्स, ठीक है? तो इन द टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एंशियंट पेंटिंग्स, ठीक है? पेंटिंग्स को डिजाइन के रूप में या टाइप्स के रूप में हम लोग कैटेगराइज करते हैं, एक को टेम्पेरा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, अगर आपको याद होगा, फ्रेस्को कहते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था टेक्निक के आधार के ऊपर जब आप पेंटिंग को क्लासीफाई करोगे तो क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है। दूसरा, पेंटिंग्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा क्या होगा, तो एक जो वॉल्स के ऊपर पेंटिंग होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, म्यूरल्स, और जो कपड़े के ऊपर या एक फ्रेम के ऊपर होती है छोटी साइज के होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनिएचर्स, ठीक है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर उतना पढ़ा दिया था, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एंशियंट पेंटिंग्स। हम लोग आज का जो पूरा सेशन है वो एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे। अब एंशियंट इंडियन पेंटिंग्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एंशियंट इंडिया की टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, और जब हम लोग टाइमलाइन की बात करते हैं एंशियंट इंडिया के अंदर तो सबसे पहले स्टोन एज की बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग्स की शुरुआत यहाँ से ही शुरू हो गई थी, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा कि स्टोन एज के अंदर किस प्रकार के पेंटिंग्स इंडिया में बनते हैं, और ये स्टोन एज के पेंटिंग्स की खासियत क्या हुआ करती थी, इसके फीचर्स क्या हुआ करते थे, ठीक है? उसके बाद धीरे 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 हम लोग आगे चलेंगे, और स्टोन एज से लेके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अप टिल पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता का मतलब क्या है कि दैट इज अराउंड द पीरियड फ्रॉम 550
750 CE के आसपास का पीरियड है। स्टोन एज तो आपको पता ही होगा, 2 लाख ईयर्स अगो से भी पहले मैं कह सकता हूँ इनफैक्ट स्टोन एज की शुरुआत हो गई थी, तो काफ़ी लंबा पीरियड है। बट यहाँ से बीच में जो भी एजिस आए, जो भी चेंजेस आए, वहाँ किस किस प्रकार के पेंटिंग्स बनते हैं, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा आज के क्लास के द्वारा। अब देखिए, दो प्रकार के पेंटिंग्स बने। सबसे पहले मैं आपको पेंटिंग्स की बात करूँगा, वो है स्टोन एज के पेंटिंग्स। अब देखो, स्टोन एज के पेंटिंग्स क्या है, इसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री, क्योंकि स्टोन एज एक ऐसा पीरियड है जिसे हम लोग प्री हिस्ट्री के रूप में भी पहचानते हैं, क्योंकि इस दौरान हिस्ट्री का प्रॉपर इवोल्यूशन नहीं हुआ था। दिस वॉज द टाइम वेन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क एंड द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हैड नॉट टेकन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, एंड बिकॉज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हैड नॉट टेकन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, आपको जो पेंटिंग्स मिलते हैं वो भी थोड़े अलग प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। सो कहा जाता है कि बड़ा सा एक रॉक होगा और रॉक के ऊपर एंग्रेविंग होगी। रॉक के ऊपर क्या होगा? एंग्रेविंग होगा। एंग्रेविंग समझ में आता है आपको, कि रॉक के ऊपर है ना, वो एक 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 प्रकार की, मैं कहूँगा, कार्विंग की जाती थी और उसके अंदर कलर फिल कर दिया जाता, ठीक है। तो वो जो पेंटिंग थे, उस प्रकार के पेंटिंग्स बनने की शुरुआत हुई स्टोन एज के अंदर। और जो प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग बने, उसका नाम दिया गया है पेट्रोग्लिफ। क्या किया गया है, याद रखेगा, द नेम ऑफ द प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग विच बिल्ट इन द स्टोन एज पीरियड, उसे हम लोग पेट्रोग्लिफ कहते हैं। अब देखिए, इसकी खासियत क्या है, स्टोन एज के पेंटिंग्स हमको कहाँ कहाँ मिले, वेयर वी गॉट। ओके, तो मैंने आपको पेंटिंग्स की लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पिछले क्लासेस के अंदर बताए थे। तो आपको स्टोन एज के सबसे प्राइम एरियाज जो है, जहाँ पे हमको पेंटिंग मिलते हैं, वो 3-4 एरियाज आपको मिलेंगे। जैसे मैं कहूँगा एमपी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे सारे मिल गए, एमपी के साथ साथ आपको कहाँ मिलेंगे, और उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस आर द एरियाज वेर यू फाइंड द स्टोन एज पेंटिंग्स, जो 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 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं स्टोन एज को लेके, ठीक है। अब स्टोन एज अगर आपको याद होगा, तो उसमें एमपी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एमपी के अंदर जो पेंटिंग्स मिले, खास करके एक जगह है भीमबेट का, अगर आपको याद होगा, तो वहाँ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। भीमबेट का के बारे में मैंने आपको एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड 6 की है, उसके अंदर थोड़ा बहुत बातें बताया हुआ है। तो जो जो स्टूडेंट्स अभी नए नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि यू प्लीज़ वॉच माई एनसीईआरटी क्लास का वीडियो, सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड वॉट आई एम टीचिंग इन दिस क्लास। ओके, तो वेन वी सी द केस ऑफ द स्टोन एज पेंटिंग्स, तो स्टोन एज पेंटिंग्स की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भीमबेटका की गुफाएं है, अगर आपको जानकारी होगी, एमपी के अंदर है। दिस इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द वे, ये नेचुरल हेरिटेज के अंदर आती है एज फार एज आई रिमेम्बर। और कहा जाता है कि भीमबेटका की जो केव्स है, वहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाए गए थे। भीमबेटका की जो केव्स है, वहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाए गए थे। और कहा जाता है कि ये जो पेंटिंग्स थे, इसकी एक अपनी ही एक खूबियाँ हुआ करती थी। अब ये जो पेंटिंग्स है भीमबेटका के अंदर, वो किसी को पता नहीं थे, नो वन एक्चुअली न्यू कि सर यहाँ पे कोई पेंटिंग वेंटिंग है। क्योंकि अगर आप देखिए, इफ़ यू विल सी द केस ऑफ द भीमबेटका, तो भीमबेटका का लोकेशन कहाँ पे आया है, तो एक तो एमपी के अंदर है, इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ कहीं पे भीमबेटका आया हुआ है, ठीक है। मन की आंखों से देखो, आपको समझ में आएगा। अब भीमबेटका और ये वाला आजू बाजू वाला जो रीजन है, वो कैसा है, जंगल वाला रीजन है, ठीक है। सो इट्स क्वाइट ऑफ जंगल, और आई वुड से फॉरेस्ट रीजन, एंड बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट रीजन एंड द फॉरेस्ट प्रेजेंस, पीपल वर एक्चुअली नॉट अवेयर अबाउट दिस प्लेसेस, कि यार यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, ठीक है। बट एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम याद रखेगा, आज़ादी के बाद 1957-58 के आसपास की बात है, जिनका नाम है विष्णु वाकनकर। क्या नाम है? विष्णु वाकनकर। ये विष्णु वाकनकर साहब जंगल के अंदर गए होते हैं कुछ अभ्यास करने के लिए, और उन्होंने ये जो भीमबेटका की जो केव्स है वो ढूंढ निकाली थी, ठीक है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सर ये तो बहुत ही स्टोन एज की केव्स लग रही है, और इंडिया के अंदर स्टोन एज के अंदर आदमी क्या खाता पीता था, वहाँ नदी किनारे रहता था, ठीक है, घी गुड़ खाता था। तो ये सब कहानी जो है वो वहाँ से उभर के आई, ऑल द स्टोरीज ऑफ द पेंटिंग्स इवॉल्व इन दैट एज ओनली। ओके, सो वेन वी सी द केस ऑफ द पेंटिंग्स, तो आपको विष्णु वाकनकर का नेम पहले तो पता होना चाहिए किस तरह से होता है। अब पेंटिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वेयर डू वी गेट द क्वेश्चन इन द पेंटिंग। अब पेंटिंग की खासियत क्या है, आपको फीचर्स के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी पेंटिंग की थीम के ऊपर से आपको क्वेश्चन आते हैं। थीम का मतलब क्या है, कि पेंटिंग की थीम क्या है, जैसे कोई भी आर्टिस्ट जब पेंट कर रहा होता है, उसकी एक थीम होती है। मैं कहूँगा कहीं पर डांस किया जाता है, कहीं पर हंटिंग किया जाता है, गेटिंग अ पॉइंट। कहीं पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो आपको वो है ना कम्युनिटी सीन्स मिलेंगे। कम्युनिटी सीन्स का मतलब क्या है,
सोसाइटी के कुछ सदस्य बैठे हुए हैं, ये वो कुछ कर रहे हैं, धींगा मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये प्रकार की चीजें आपको पेंटिंग्स के अंदर मिलेगी। तो पेंटिंग की थीम पता होनी चाहिए। जितनी थीम आपको क्लियर होगी ना, उतना ही आपको कल्चर के अंदर, आर्ट के अंदर बहुत इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। तो व्हेन वी सी द केस ऑफ द भीमबेटका पेंटिंग्स, व्हेन वी सी द केस ऑफ द भीमबेटका पेंटिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस केस, वी फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, वी फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेंटिंग, एमपी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपको सब जगह मिलेंगे। पहले भीमबेटका के बारे में बता रहा था। भीमबेटका की जो शोध है, उसका जो फाउंडिंग किया है, वो करने वाले इंसान थे, उनका नाम था विष्णु वाकनकर। क्या नाम था सर? विष्णु वाकनकर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, विष्णु वाकनकर वॉज द पर्सन जिन्होंने भीमबेटका की केव्स को ढूंढ निकाला। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। और इनकी पेंटिंग की थीम की खासियत क्या थी? इनकी पेंटिंग की थीम की खासियत ये थी कि आपको एनिमल्स बहुत मिल जाएंगे पेंटिंग्स के अंदर। अब देखिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन दिस केस, व्हाई वी गिव इम्पोर्टेंस टू द भीमबेटका पेंटिंग, उसके पीछे का कारण है। बेस्ड ऑन द पेंटिंग्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पीपल। वहाँ के जो स्टोन एज के लोग थे, उन लोग का जीवन शैली कैसा था, हाउ द स्टोन एज पीपल यूज टू लिव, हाउ द स्टोन एज पीपल यूज टू ईट, वॉट द स्टोन एज पीपल लाइक नो यूज टू थिंक अबाउट, ये सब कुछ चीज़ें आपको उस दौरान के पेंटिंग्स की मिलती है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वेन वी सी द केस ऑफ द स्टोन एज एंड द स्टोन एज पीपल, तो यू शुड नो कि पेंटिंग की थीम क्या थी, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि पेंटिंग में आपको एनिमल्स बहुत मिलेंगे, और एनिमल्स में क्या क्या मिलते हैं, तो यू फाइंड बिसन, यू फाइंड बियर्स, यू फाइंड टाइगर्स, ठीक है। तो यू विल फाइंड ये बियर्स हो गए, ऐसा होगा, ठीक है, ये बियर उल्टा हो गया है, चलो लेट मी कम बैक। ओके, सो व्हेन वी सी द केस, वी फाइंड मल्टीपल एनिमल्स जो वहाँ पे उस टाइम पे मिलते रहते हैं। बिसन, अगर आपको पता होगा, यॉर्क फैमिली से बिलोंग करता है, इंक्लूडिंग यहाँ पे एनिमल्स बहुत सारे मिले हैं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर, इसको तो जू रॉक शेल्टर भी कहा जा सकता है। जू रॉक शेल्टर का मतलब क्या है कि ये तो है ना कि एक जू के समान हो गया है, गेटिंग अ पॉइंट। तो वी फाइंड मल्टीपल एनिमल्स लाइक राइनोसेरस, एलिफेंट, फिर बड़ा सिंगा, डियर, स्नेक, कैटल, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है। तो भीमबेटका की पेंटिंग्स में हमेशा याद रखेगा कि विच एनिमल्स आर फाउंड, तो आपको ये एनिमल्स के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड नो द नेम ऑफ द एनिमल्स विच वर फाउंड इन द भीमबेटका पेंटिंग्स। ओके, यहाँ से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनने की शक्यता रहेगी। सो आई विल सजेस्ट कि यू वॉच दिस लेक्चर एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग्स इन भीमबेटका, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जो पेंटिंग्स आए जो प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स के एक एग्जाम्पल के रूप में उभर के आए, इनकी खासियत क्या थी, याद रखेगा, ठीक है। तो ये आपको पैलियोलिथिक पीरियड में मिलेंगे, ये आपको मेसोलिथिक पीरियड में मिलेंगे, और तीसरा कहाँ पे मिलेगा आपको, चालकोलिथिक पीरियड में। तो आपको दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि द पेंटिंग्स कंसिस्ट ऑफ द थ्री फेजेस, दैट इज नोन एज पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक एंड चालकोलिथिक। ये तीनों फेजेस के अंदर जो पेंटिंग्स बने हैं, ये पेंटिंग्स की खासियत ये थी कि आपको मल्टीपल प्रकार के चेंजेस मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पैलियोलिथिक पेंटिंग की खासियत क्या है। पैलियोलिथिक पेंटिंग हमको जो भीमबेटका की केव्स के अंदर से मिले हैं, वो केव्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको हंटिंग सीन्स बहुत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हंटिंग सीन्स। हंटिंग सीन्स का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय हंटिंग सीन्स? तो वहाँ पे शिकार करते हुए सीन्स बहुत मिल जाएंगे, और प्रिसाइसली यू विल सी तो आपको रेड एंड वाइट कलर के पेंटिंग्स बहुत मिलते हैं। अब देखो, आपको कलर कलर का नाम पता होना चाहिए, कभी कभी आपको कलर्स के नाम भी पूछता है कि विच कलर्स आर यूज इन सो एंड सो प्लेसेस, तो यू शुड नो कि व्हाट कलर्स वर यूज इन अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। तो इन दिस केस वी फाइंड द रेड एंड द वाइट पेंटिंग्स विच वर यूज एज अ पार्ट ऑफ द भीमबेटका। एंड अगर आप देख रहे हो तो जो रेड है वहाँ पे, इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा, गेरू का मिक्सचर हुआ है, गेरू मोर ऑफ केसरिया रेड आपको कलर मिल जाएगा। जनरली आपको फूल से मिलता है, फ्लावर से मिलता है, और ये एमपी वाला रीजन है, यहाँ पे हिमेटाइट की ओर भी मिल जाती है। हिमेटाइट ओर मतलब अगर आप देखोगे तो आपको आयरन की ओर मिलती है मट्टी के अंदर, तो उसका भी कलर यूज़ करते थे, और उसके कारण यू विल सी कि आपको ह्यूमन फिगराइज जो है वो ज़्यादातर रेड कलर्स में मिलेगी, और कभी कभी आपको डांसिंग सीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डांसिंग सीन्स मिलेंगे, और ये जितने भी डांसिंग सीन्स है जो हमको भीमबेटका के अंदर से मिलते हैं, ये डांसिंग सीन्स की खासियत ये हुआ करती थी कि ये ग्रीन कलर के होते थे। कौन से कलर के होते थे? ग्रीन कलर के, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछने की शक्यता रहेगी कि इन भीमबेटका विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर यूज, जैसे कि अगर आप ये पेंटिंग देख पा रहे होगे,
यहाँ पे एलिफेंट का काफी अच्छा यूज किया गया है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और यू सी दैट यहाँ पे व्हाइट लाइमस्टोन और रेड, और ऊपर एक कोई इंसान बैठा है भला भला लेके, यूं है ना हाथी के ऊपर, चल 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 मेरे हाथी हो मेरे साथी, ठीक है हाथी मेरे साथी कर रहा है। तो ये आपको पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की खासियत पता होनी चाहिए। फिर स्टोन एज में दूसरा एज कौन सा है? स्टोन एज के अंदर दूसरा एज आया वो है मेसोलिथिक पीरियड, अगर आपको जानकारी होगी। ये ट्रांजिशन फेज था बिटवीन दी पैलियोलिथिक एंड द नियोलिथिक, और कहा जाता है कि इस दौरान आपको रेड कलर का यूज़ काफ़ी मिलेगा, एंड पर्टिकुलरली यू विल सी कि पेंटिंग्स की जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी हो गई। छोटी मतलब क्या है कि इस दौरान अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको वाइट एंड रेड कलर के पेंटिंग्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको हंटिंग सीन सबसे डोमिनेटिंग मिल रहा है। हंटिंग सीन का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि भाई यहाँ पे शिकार करता हुआ कोई शिकारी है, वो खचा खच कर रहा है, ठीक है बीच में यहाँ पे कोई जानवर लग रहा है, कोई एनिमल है जिसका बलि चढ़ने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि आपको हंटिंग सीन्स बहुत मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपको और भी सीन्स मिलेंगे जहाँ पे राइडिंग सीन्स मिलते हैं। राइडिंग सीन्स का मतलब क्या है कि घोड़े के ऊपर बैठा है जैसे ये वाला बंदा बैठा हुआ है, बट ये हंटिंग कर रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपको तो मन की आंखों से देखेगा आपको समझ में आएगा कि भाई किस किस प्रकार के आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट होती है इन द भीमबेट का केव्स, और नेचुरल केव्स है ये सब के सब, उसके अंदर पेंटिंग्स होते थे। ये पेंटिंग्स की खासियत क्या है पता है आपको? ये ऊपर होते थे। ऊपर का मतलब क्या है कि आप यहाँ नीचे खड़े हो तो आपकी जो छत है ना, आपकी जो छत है वो छत के ऊपर होते थे। ऊपर का मतलब ये यहाँ पे होते थे। दे वर नॉट पेंटेड ऑन द साइड वॉल्स, ये आपकी साइड वॉल है। यहाँ पे पेंटिंग नहीं होता था सर, पेंटिंग सर यहाँ पे होता था रूफ के ऊपर, ठीक है। तो आपका जो स्लैब है टेरेस है उसके ऊपर होता था ये जो पेंटिंग्स है ना, और उस टाइम पे आदमी की हाइट और जो टेरेस की हाइट है उसमें बीच में डिफरेंस भी रहता था। तो दैट शोज कि ये भीमबेटका के पेंटर्स थोड़े बहुत लटक लुटक के भी पेंटिंग किया करते थे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग केस आपको भीमबेटका के पेंटर्स के अंदर मिलेगा। उसके बाद थर्ड फेज यू विल फाइंड वो आया चाल्कोलिथिक पीरियड। अब देखो चाल्कोलिथिक पीरियड कब आता है, अगर आपको जानकारी होगी इस दौरान मेटल मिल चुका, मेटल में क्या मिला था अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, इन मेटल वी फाउंड द यूज ऑफ कॉपर। पता नहीं आप में से कितने लोग हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हो, बट चाल्कोलिथिक फेज में आपको कॉपर मिल जाता है, और कॉपर और स्टोन इन दोनों का यूज होता है एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अब क्या हुआ कि कॉपर स्टोन का यूज हुआ एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो पेंटिंग के अंदर भी आपको नई प्रकार की चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि मैं कहूँगा कि एक नए कलर्स का ओरिजिन होना शुरू हुआ जो ग्रीन एंड येलो कलर की शुरुआत करता है। जैसे ये मन की आंखों से देखोगे ये आपको थोड़ा बहुत व्हाइटिश येलो दिखेगा, आपको जो थोड़ा बहुत व्हाइटिश येलो मैं कह सकता हूँ कि एक कलर के रूप में मिलता रहता है। एट टाइम्स वी फाइंड द मैन राइडिंग हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, वहाँ पे आदमी कभी हाथी के ऊपर बैठा है, घोड़े के ऊपर बैठा है, इस प्रकार की चीज़ें मिलेगा। और ये सब चीज़ें दर्शाती है कि यहाँ पे ये लोग फाइट करने की तैयारी बता रहे थे। तो हो सकता है कि द पीपल बिलोंगिंग टू द भीमबेटका, द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द भीमबेटका, दे माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ अदर पीपल, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनकी लाइफस्टाइल के अंदर वो लोग किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए कि नहीं आए, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आए तो कैसे आए, ठीक है। तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको थोड़ा अच्छी तरह से डिटेल में पढ़िए, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द चाल्कोलिथिक पीरियड एंड द भीमबेटका पेंटिंग्स वर्क, ठीक है। तो एक ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द भीमबेटका, वो है भीमबेटका के सिवा आपका नरसिंहगढ़ करके एक जगह है एमपी के अंदर है, वहाँ पे भी आपको ये पेंटिंग्स मिल गए हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे थोड़ा लाइट है, बट इफ़ यू कैन सी देर आर सर्टेन पर्सन हु आर होल्डिंग देयर हैंड, अगर आप ना देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत ड्रॉ कर देता हूँ। ये पेंटिंग्स कुछ ऐसे वाले पेंटिंग्स है जहाँ पे एक आदमी ने दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है, समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो यू विल फाइंड कि सब लोग है ना हाथ पकड़ के यूं खड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग शोज अ काइंड ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे ये लोग है ना कम्युनिटी के रूप में इकट्ठे करके ये वो है कम्युनिटी डांसिंग करते होंगे, ठीक है। तो वी फाइंड द डांसिंग सीन्स वेयर द पीपल बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी वेयर द पीपल बिलोंगिंग टू दिस कम्युनिटी जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो रह रहे हैं वो सबके सब वो है ना कि डांस कर रहे हैं सब साथ में। इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा
तो वो क्या कह सकते हैं कि इकट्ठे के रूप में चला रहे हैं। ओके, तो वी फाइंड मल्टीपल थिंग्स, हमको बहुत सारी चीज़ें ये भीमबेटका के अंदर से मिलती है, नरसिंहपुर से भी मिलती है एज ए पार्ट ऑफ पेंटिंग। दूसरी आपको और कहाँ मिली है, मैंने आपको जगह बता दी, तो जगह एक तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में एक जगह है लखुदियार। कौन सी जगह है, आप रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लखुदियार इज अ प्लेस इन उत्तराखंड, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक और जगह है जिसका नाम है बुरजाम। कौन सी जगह है, बुरजाम, BURZHAOM, बुरजाम इज नियर श्रीनगर। ये भी स्टोन एज की साइट है, ये भी स्टोन एज की साइट है। यहाँ पे भी आपको पेंटिंग्स मिले हैं, यहाँ पे भी आपको स्टोन एज के प्रीहिस्ट्रिक इंडिया के पेंटिंग्स मिल गए हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर द पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू द प्रीहिस्ट्रिक इंडिया वी फाउंड एट मल्टीपल प्लेसेस, सबसे पहले यहाँ से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट फेज के अंदर चलते हैं, नरसिंहपुरा और दूसरा जोगीवाड़ा केस। जोगीवाड़ा ये भी आपके इनफैक्ट MP छत्तीसगढ़ वाले रीजन के अंदर है, यहाँ से भी आपको इस प्रकार के पेंटिंग्स मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना पॉइंट पता चल गया आपको। उसके बाद जो सेकंड एज आया, हिस्ट्री के अंदर जो डेवलप हुआ वो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, स्टोन एज के बाद क्या हुआ बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में पेंटिंग होते थे? हाँ होते थे। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी फाइंड द पॉटरी, हमको पॉटरी मिलती है, माटी के जो बर्तन मिले हैं। एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर वी फाइंड द पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, वी फाइंड पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स ऑन द पॉटरी। ठीक है, तो ये याद रखेगा। ये पेंटिंग्स की खासियत क्या हुआ करती थी, दे वर नोन एज रेड एंड ब्लैक वेयर, दे वर नोन एज रेड एंड ब्लैक वेयर। रेड एंड ब्लैक वेयर का मतलब क्या है कि ये काले कलर के थे, इनफैक्ट होके इसके लिए उसको रेड एंड ब्लैक वेयर के रूप में पहचानते हैं। रेड एंड ब्लैक वेयर का मतलब ये होगा कि दे वर बेसिकली आई वुड से कि उनकी जो 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 डिज़ाइन थी वो इनफैक्ट लाल कलर की पॉटरी के अंदर काले कलर के पेंटिंग्स कर दिया करते थे। ठीक है, तो एक ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए व्हेन वी सी द केस ऑफ द पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अंदर और भी पेंटिंग्स मिलेंगे पर पॉटरी की खासियत ये है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगा तो जो थर्ड फेज आता है वो कौन सा आता है, वो वेरी केज आता है। याद आया आपको, वेरी केज के दौरान पेंटिंग्स बने आपके, वेरी केज के दौरान पेंटिंग्स बनेंगे। तो याद रखिएगा, इवन इन द वेरी केज वी फाइंड द पॉटरी, आपको माटी के जो बर्तन मिले हैं ये पार्टी के बर्तन हैं। यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर करके डिजाइन बनती है। कौन सी, पेंटेड ग्रेवेयर, याद रखिएगा। प्रिंटेड ग्रेवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी सी द केस ऑफ द पॉटरी दैट डेवलप्ड इन द वेरी केज पेंटिंग्स। वेरी केज के अंदर जो पेंटिंग्स के अंदर जो जो बनते हैं उसे पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी कहते हैं। ये जो पेंटेड ग्रेवेयर की पॉटरी है, ऑल द टाइप्स ऑफ द पेंटेड ग्रेवेयर पैटर्न पॉटरी, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। प्रिसाइसली यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बहुत मिल जाएंगे। ज्योमेट्रिकल डिजाइंस का मतलब क्या है कि ये जो पेंटिंग्स होते थे वहाँ पे वो है ना कि ऐसे लाइन खींचना और ये सब आड़ी टेढ़ी डिजाइन करना और ये सब चीज़ें आपको काफ़ी मिल जाएगी। ये भी वेदिक एज के पेंटिंग्स की खासियत हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो लेटर वेदिक एज आया, और लेटर वेदिक के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, महाजनपद का टाइम आता है, उस दौरान भी आपके इंडिया के अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स बनते हैं। और इन द पीरियड ऑफ महाजनपद आपको जो पेंटिंग्स मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। अब देखो, ये नॉर्दर्न ब्लैक पेंटिंग्स नहीं हुआ करते थे, ये भी इनफैक्ट आपकी पॉटरी का ही एक एग्जाम्पल था। क्या नाम है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का मतलब क्या है कि एक पॉटरी थी जो काले कलर की थी। इफ यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप ये देख पा रहे होगे तो ये जो बर्तन है माटी का जिसके ऊपर काला कलर किया जाता था, ब्लैक कलर का था, नॉर्थ इंडिया में मिलता था, इसके लिए उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया खासियत है ये पॉटरी के पेंटिंग्स के बारे में, आपको जो लेटर वैदिक एज में या महाजनपद के एज में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इन द महाजनपद पीरियड, वी फाइंड द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पेंटिंग्स जो उस टाइम पे उभर के आए। उसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो बुद्धिज्म के आगमन तक आते आते और जैनिज्म के आगमन होते होते इंडिया में केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हो जाती है। एंड बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ द केव आर्किटेक्चर टुक प्लेस इन इंडिया, जब भारत के अंदर केव आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई तो विद इन केव्स जो भी थे इनफैक्ट पेंटिंग्स बनने शुरू हो गए। और जो विद इन केव्स के जो पेंटिंग बनते थे वो अलग अलग जगह के ऊपर मिले, और सब में जो थीम हुआ करती थी वो बुद्धिस्ट थीम हुआ करती थी। द थीम ऑफ पेंटिंग्स विल बी बुद्धिस्ट थीम। वाई, बिकॉज दे आर मेनली कंसर्न विद द बुद्धिज्म इन इंडिया।
और इसके कारण वो जातक स्टोरीज है बुद्धिज्म की, वो सब पेंट होनी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ कहाँ से डेवलपमेंट होता है। तो बाय द पीरियड ऑफ बुद्धिज्म वी फाइंड डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स बट वी डू नॉट नो डायरेक्ट एविडेंसेज ऑफ पेंटिंग्स। तो ये अच्छी बात है, मतलब ऐसे तो बुरी बात है, पर एग्जाम सेंट्रिक अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूँगा अच्छी बात है, क्योंकि रट्टा मारने के लिए थोड़ी चीज़ें कम लगेगी हमको। ठीक है, उसके बाद मौर्यन एज आया। मौर्यन एज तक आते आते जो अगर आप देखोगे तो पेंटिंग्स थोड़े बहुत बनते हैं, पॉटरी के ऊपर बनते हैं और कहीं और भी बनते होंगे, बट हमको मिलते नहीं है कोई सोर्सेज के अंदर, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे भी चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। लेटर ऑन जो डेवलपमेंट हुआ वो पोस्ट मौर्यन इंडिया में हुआ। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, जब हम लोग महाजनपद के बाद मौर्यस को देखते हैं, और मौर्यस के बाद कब देखते हैं, पोस्ट मौर्यस को देखते हैं, इस दौरान इंडिया में बहुत सारे पेंटिंग्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि पोस्ट मौर्यस में इंडिया में आर्किटेक्चर का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। मैंने आपको बताया था एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया क्या क्या चीज़ें बनी है, याद करो। इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास मल्टीपल थिंग्स इमर्ज, बहुत सारी चीज़ें बनती है, बहुत सारी डिज़ाइंस बनती है, और ख़ास करके अगर आपको याद होगा इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया व्हाट वी हैड स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया द गांधार मथुरा एंड अमरावती इन सब प्रकार की अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनती है, आपकी आर्किटेक्चर बनती है। उसी तौर के ऊपर आपके जो सातवाहन किंग्स थे, सातवाहन किंग्स ने जो गुफाएं बनाई, उन्होंने जो केव्स बनाई, वो केव्स के अंदर आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेंटिंग्स की जब हम लोग बात करेंगे तो उनके दौरान अजंता की केव्स बनती है, और उनके दौरान अजंता की जो केव्स बनी उसके अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स बने। इन दैट पीरियड देर वर मल्टीपल अजंता केव्स दैट इमर्ज, और ये सब अजंता केव्स के अंदर आपको बहुत सारे पेंटिंग्स भी मिलेंगे। अब देखो अजंता केव्स की खासियत क्या है, अजंता के अंदर टोटल 29 केव्स है, मैंने आपको केव आर्किटेक्चर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, और कहते हैं कि ये जो इनफैक्ट 29 केव्स है उसमें पोस्ट मौर्यन एज की जब हम लोग बात करेंगे उसमें एक शुंग राजा भी आया करते थे, अगर आपको जानकारी होगी। ये जो शुंग राजा जो थे देवर कंटेम्प्ररी ऑफ द सातवाहना हु वर रूलिंग इन द साउथ इंडिया, और कहते हैं कि 29 केव्स के अंदर से केव नंबर 9 और केव नंबर 10 जो है उसके अंदर जो पेंटिंग्स मिले हैं वो सब पेंटिंग्स हमको कहाँ से मिलते हैं, ऑल दिस पेंटिंग्स बिलोंग टू द पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो अजंता के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, टोटल 29 केव्स है, मैंने आपको बताया था दे आर लोकेटेड ऑन द वाघोरा रिवर, अगर आपको याद होगा महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया हुआ है, इट्स ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। मैंने हमको वहाँ तक भी डिस्कस कराया था अजंता के बारे में, हमने बहुत डिटेल के अंदर अजंता के बारे में पढ़ा था, तो आई डोंट थिंक कि अजंता के केव्स के अंदर जाना चाहिए। अजंता में दोनों प्रकार के पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगे, आपको फ्रेस्को आर्ट भी मिल जाएगा, और दूसरा कौन सा है तो टेम्पेरा आर्ट जो है वो भी आपको अजंता के अंदर मिल जाएगा। तो अजंता इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ द आर्किटेक्चर, वी फाइंड द फ्रेस्को एंड वी फाइंड द टेम्पेरा आर्किटेक्चर एज वेल, तो ये दोनों पॉइंट आपको अजंता के अंदर पता होने चाहिए। ठीक है, तो अजंता के अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स बने। अब उसमें कौन से फेमस पेंटिंग्स है अजंता के अंदर, तो एक तो पद्मपाणि का पेंटिंग है, किसका, पद्मपाणि का, बहुत फेमस पेंटिंग है, याद रखेगा, ये केव नंबर 1 के अंदर आया हुआ पेंटिंग है, दिस इज वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ पद्मपाणि विच इज फाउंड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक फेमस पेंटिंग है डाइंग प्रिंसेस का, किसका, डाइंग प्रिंसेस का, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है। दूसरा एक और फेमस पेंटिंग है फ्लाइंग अप्सरा का, किसका, फ्लाइंग अप्सरा, ठीक है, अप्सरा उड़ रही है, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग है, उड़ी उड़ी जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के तीन चार फेमस पेंटिंग्स है जो अजंता की केव्स के अंदर मिल जाते हैं, और भी पेंटिंग्स मिलते हैं अजंता के अंदर, बट एटलीस्ट यू शुड नो द प्रोमिनेंट पेंटिंग्स। पद्मपाणि इफ यू आर अवेयर उनको आलोकितेश्वर भी कहते हैं, पद्मपाणि को क्या कहते हैं, आलोकितेश्वर भी कहा जाता है, आलोकितेश्वर इनफैक्ट अगर आपको जानकारी होगी तो गॉड के लिए ही कहा जाता है पद्मपाणि के लिए, ये बहुत फेमस कैरेक्टर है बुद्धिज्म के अंदर, बोधिसत्व है ऐसा कहा जाता है, और ये सब पेंटिंग्स आपको अजंता की पेंटिंग्स के रूप में पता चलते हैं। ठीक है, दूसरे अगर आप देखेगा तो उसके बाद जो भी अलग अलग केव्स बनी इंडिया के अंदर उन सब के अंदर आपको पेंटिंग्स मिलते रहेंगे। जैसे मैं कहूँगा कि अजंता की केव्स के अंदर एक तो सातवाहन डायनेस्टी ने बनाया, सातवाहन के बाद अजंता की केव्स के अंदर पेंटिंग किसने बनाया, तो गुप्ता एज ने बनाया, पर गुप्ता किंग्स ने नहीं बनाया, गुप्ता के सामंत हुआ करते थे वाकाटका, कौन हुआ करते थे, वाकाटका, वाकाटका डायनेस्टी वर द आई वुड से सबॉर्डिनेट्स ऑफ द गुप्तास, उन्होंने अजंता के केव्स के पेंटिंग बनाए, इंक्लूडिंग एक चालुक्य किंग्स हुआ करते थे, अगर आपको जानकारी होगी, ये चालुक्य किंग्स बदामी के ऊपर रूल किया करते थे, उसमें पुलकेशिन टू करके एक राजा हुआ करता था, उसने भी बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं।
वो भी बहुत फेमस पेंटिंग्स हमको मिलते हैं एंशिएंट इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यू शुड नो द पुलकेशिन टू पेंटिंग्स जो बादामी के अंदर मिलते हैं, उसके साथ साथ बाघ के केव्स है जो पेंटिंग्स है वो गुप्ता के अंदर बनते हैं, दूसरा सीता नवसल के जो पेंटिंग्स है उसके लिए अलग अलग थियरी है, कोई कहता है कि ये पंड्या डायनेस्टी ने बनाए थे या कोई कहता है ये पल्लव डायनेस्टी ने बनाया था। कौन सी? पल्लव डायनेस्टी एंड पंड्या डायनेस्टी। अब ये दोनों डायनेस्टी कहाँ की है? तो पल्लव को मैंने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ाया हुआ है। अब देखिए, आधे से ज़्यादा लोगों को तो मेरा आर्ट एंड कल्चर समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 6th और 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को देख लीजिए, तो उससे आपका क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सी डायनेस्टी कब आई पहले प्रावर के ऊपर, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत आगे उसके ऊपर करिएगा, ठीक है। दूसरा, इलोरा के केव्स के अंदर आपको पेंटिंग मिलते हैं। इलोरा, अगर आपको जानकारी होगी, तो वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने केव्स बनाई थी, अगर आपको याद होगा। इसके अंदर भी हमको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलते हैं। तो यू विल फाइंड बहुत सारे पेंटिंग्स हमको मिल जाते हैं एंशियंट इंडिया के अंदर अलग अलग डायनेस्टी के द्वारा, और ये सब पेंटिंग की स्टाइल, इसकी डिज़ाइन, इसके अंदर किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, वो सब के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन को अब यहाँ तक ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अर्ली मिडिवल पेंटिंग्स की तरफ जाएंगे, और उसके बाद वी विल देन ग्रेजुअली प्रोसीड टूवर्ड्स द पेंटिंग्स ऑफ मिडिवल इंडिया एज वेल, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, थोड़े लंबे वाले पेंटिंग्स हैं जिसको डिस्कस कराना चाहता हूँ मैं, और जो आगे के पेंटिंग्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर से कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद मिडिवल इंडिया के पेंटिंग्स के ऊपर भी चले जाएंगे, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, और जो जो लोग सोच रहे हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, उन सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि यूज़ माई कोड PNLive, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं बहुत जल्द एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। आई एम सून बी लॉन्चिंग कोर्स ऑन एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया, जहाँ पे मैं बहुत डिटेल वे के अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली पढ़ाने वाला हूँ कि कैसे एंशियंट मिडिवल इंडिया को डील करना है, ठीक है। हम लोग आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडिंग।